किसान भाइयों नमस्कार। हमारे देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 60% हिस्सा वर्षा पर आधारित है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्राय एक ही फसल ली जाती है, कहीं कहीं भूमि में नमी संरक्षण करके दूसरी रबी की फसल भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिंचाई के साधन बढ़ते जा रहे हैं, खरीफ और रबी की दोनों फसलें संभव हुई हैं। लेकिन फिर भी मई और जून के माह, खास करके गर्मी का माह या जिसे हम जायद की ऋतु कहते हैं, खेत उस समय खाली रहता है। इस समय क्या करें? किसान भाई ये अक्सर पूछते हैं कि क्या इस समय कोई हम खेती कर सकते हैं, कौन सी फसल लेनी चाहिए। जहाँ तक खेती का सवाल है और फसल लेने का सवाल है, तो जो खरीफ की फसलें हैं, अगर उनकी हमें अगेती बुवाई करनी है तो जून माह तक कर सकते हैं। और हमें कुछ दलहनी या सब्जी वाली फसलें लेते हैं तो भी संभव है कि हम 60 से 70 दिन में इन फसलों को ले सकें। खास करके मूंग और उड़द यदि अप्रैल के महीने में ही बो दिया जाता है तो वो जून तक काट ली जाएंगी। इसी तरह सारी बेल वाली फसलें जो हैं, जिसमें घिया, करेला, खीरा, कद्दू ये हैं, इनकी अगेती फसल भी ली जा सकती है। इसके साथ ही ग्वारफली, लोबिया, अन्य फसलें भी ली जा सकती है। और दूसरी सब्जियां, खास करके भिंडी, टमाटर और बैंगन। टमाटर और बैंगन की तो पौधे लगेगी तो उसकी नर्सरी तैयार की जा सकती है और भिंडी को सीधा रोपा जा सकता है। कुछ समय बाद यानी मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। तो वो सब लोग जहाँ सिंचाई उपलब्ध है वो फसल ले सकते हैं, कुछ अगेती फसलें खरीफ की और कुछ नर्सरी या पौध लगा सकते हैं। आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।